हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। टुडे वी लर्न लेसन 13, टू लिटिल पैरट्स, क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट है न्यू वर्ड्स। ठीक है, न्यू वर्ड्स, नए शब्द, इसका स्पेलिंग याद होना चाहिए और वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पर है चिलीज, इसका मतलब होता है मिर्ची। ठीक है, इसी तरह से बिक्स, इसका मतलब है चोंच। फेदर्स, फेदर्स यानी होता है पंख। ओके बच्चों, सेकंड है इसमें रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर, कहाँ आर द पैरट्स, तोते सीटिंग, तोते कहाँ बैठे हैं, तोते कहाँ बैठे हैं। इसका आंसर द पैरट से स्टार्ट होगा। द पैरट्स आर सीटिंग ऑन ए ट्री। द पैरट्स आर सीटिंग ऑन ए ट्री। तोते एक पेड़ पर बैठे हैं, तोते एक पेड़ पर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें व्हाट क्या दे टॉकिंग, बातें, वे बातें कर रहे हैं अबाउट, है ना। इसका मतलब है वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। दे मतलब वे किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हम दे से लिखेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, यू एंड मी। वे बात कर रहे हैं तुम और मैं, तुम और मैं। ओके बच्चों, थर्ड है इसमें हु आर कौन स्माइलिंग एट देम, उन पर मुस्कुरा रहा है, कौन उन पर मुस्कुरा रहा है। तो हु के जगह में हम उसका नाम लिखेंगे, है ना। तो इसका आंसर होगा फ्लावर्स, फ्लावर्स आर स्माइलिंग एट देम, फूल उन पर मुस्कुरा रहे हैं, फूल उन पर मुस्कुरा रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4, व्हाई डू, क्यों, दे ईट, वे खा रहे थे ग्रीन एंड रेड चिलीज, लाल और हरी मिर्च ऑल द टाइम। वे पूरे समय या हर समय लाल और हरी मिर्च क्यों खाते हैं, है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे दे ईट ग्रीन एंड रेड चिलीज ऑल द टाइम। ठीक है, ये बुक से ही, प्रश्न से ही हमको मिल जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि। ओके, इसके बाद लिखेंगे बिकॉज रेड फॉर देयर बीक्स एंड ग्रीन फॉर देयर फेदर्स, लाल उनके चोंच के लिए और हरे उनके पंखों के लिए। ओके बच्चों, इसमें नेक्स्ट है से अलाउड, थर्ड जो है से अलाउड, इसे जोर से बोलना रहता है, पर इसका स्पेलिंग और इसके वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे लिटिल, लिटिल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, इसी तरह से पैरट्स, पैरट्स यानी होता है
तोते, ठीक है। इसी तरह से फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का मतलब होगा फूलों। इसी तरह से है चिलीज, इसका मतलब होता है मिर्ची। इसके बाद है बिक्स, बिक्स याने होता है चोंच, और फेदर्स याने होता है पंख। तो इसके स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लेट्स टॉक, आओ बातें करें। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो ए पैरट, तो एक तोता एज अ पेट, पेट का मतलब यहाँ पे है पालना चाहते हो, क्या तुम एक तोता पालना चाहते हो, वाई क्यों, क्यों पालना चाहते हो। तो इसका आंसर यस में भी दे सकते हैं, नो में भी दे सकते हैं, लेकिन वैसे तो तोता नहीं पालना चाहिए, तो हम नो में ही इसका आंसर देंगे। हम इसका आंसर लिखेंगे नो आई डू नॉट वांट अ पैरट एज अ पेट। मैं जो है नहीं, मैं तोते को पालना नहीं चाहती। वाई का आंसर देंगे बिकॉज, क्योंकि दे हैव अ राइट टू इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसे भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, क्योंकि उन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। दे हैव ए राइट टू इंडिपेंडेंट। ओके बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है टेल 3 थिंग्स अबाउट पैरट्स, तोते के बारे में 3 बातें लिखिए, है ना, इसके बारे में 3 बातें लिखनी है। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं पैरट्स आर ग्रीन, तोता हरे रंग का होता है। पैरट्स लाइक टू ईट चिलीज, तोता मिर्च खाना पसंद करता है। पैरट्स बीक इज रेड, तोते की चोंच लाल रंग की होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, हैव यू सीन, क्या आपने देखा है पैरट्स अदर देन ऑफ ग्रीन कलर, क्या आपने तोते को हरे रंग के अलावा किसी और रंग में देखा है। तो हाँ, हमने देखा है, ठीक है, वो और भी कई रंगों के होती है, है ना। तो हम लिखेंगे यस आई हैव सीन, जो प्रश्न में है वो लिखेंगे यस आई हैव सीन पैरट्स अदर देन ऑफ ग्रीन कलर, दे आर येलो रेड एंड सम आर कलरफुल, दे आर रेड येलो एंड सम आर कलरफुल। हाँ, हमने तोते को हरे रंग के अलावा अन्य रंगों में भी देखा है, जैसे पीला लाल तथा रंग बिरंगे रूप में। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैव यू सीन देम, आपने उन्हें वेयर कहाँ देखा है, आपने उन्हें कहाँ देखा है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, आई से स्टार्ट करेंगे, आई हैव सीन देम इन द जू, मैंने उन्हें चिड़ियाघर में देखा है, मैंने उन्हें चिड़ियाघर में देखा है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है लुक एट द पिक्चर, इस चित्र को देखना है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इमेजिन कल्पना करना है एंड
टेल योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्त को, सहेली को बताना है वाट द पैरट्स मे बी टॉकिंग, कि तोते क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना को लिख सकते हैं। आंसर स्टार्ट करेंगे, आई इमेजिन दैट पैरट्स मे बी टॉकिंग अबाउट पीपल, वो लोगों के बारे में बात कर रहे होंगे, ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं। और फर्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं, पैरट्स थिंक अबाउट हाउ ग्रो पीपल, लोग कैसे बढ़ते हैं, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। सेकेंड, दे डोंट ईट बीटल्स, वे कीड़े मकोड़े नहीं खाते। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, वे किसी अन्य चीज़ों पर बैठना पसंद नहीं करते, वायर में बैठना पसंद नहीं करते। दे हैव नॉट फैदर्स बट हाउ दे ग्रो। फोर्थ है, दे हैव नॉट फैदर्स बट हाउ दे ग्रो, उसके पंख भी नहीं हैं फिर भी यह पता नहीं कैसे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने एक कल्पना किया हुआ है और इसे लिख दिया है। ठीक है, ये लगभग जो हमने जय एंड पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से एक कल्पना हम इसमें कर सकते हैं, जिससे क्या है आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, जय और द रॉबिन। ओके ओके बच्चों, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है राइट द राइमिंग वर्ड्स, है ना, वोकेबुलरी के अंतर्गत शब्दकोश, है ना, इसके अंतर्गत है राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब है मिलते जुलते शब्द लिखना है, समान तुक वाले शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे है ट्री, तो ट्री के जैसे ही हम और क्या शब्द लिख सकते हैं। ट्री का मतलब होता है पेड़, फ्री मुक्त स्वतंत्र, बी मधुमक्खी, इसी तरह से हम लिख सकते हैं डिग्री उपाधि, नी घुटना, एग्री तैयार। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इसमें ईट, ईट के जैसे हमें शब्द लिखना है। ईट का मतलब होता है खाना, है ना, तो हम जो है ई ए टी वाले शब्द लिख सकते हैं, जैसे चीट धोखा, नीट स्वच्छ, सीट बैठना, हीट गर्म। ठीक है, बीट मारना। ठीक है, अब है नेक्स्ट इसमें टाइम, है ना, तो आई एम ई ये होना चाहिए। टाइम का मतलब होता है समय, इसी तरह से हम कर सकते हैं क्राइम, क्राइम यानी अपराध, लाइम नींबू, प्राइम प्रधान, क्लाइम जलवायु। एक लिख सकते हैं थाइम, अजवाइन की फूल, इसी तरह से हम लिख सकते हैं राइम पोयम, है ना, राइम का मतलब होता है पोयम। अब है नेक्स्ट इसमें फोर्थ ऑल, ऑल शब्द लगा, ऑल जो है लगा के हमें शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉल बुलाना, ऑल यानी सभी, है ना, फॉल यानी गिरना, टॉल यानी लंबा, बॉल यानी गेंद, वॉल यानी दीवार। ठीक है, इस तरह से ये है राइमिंग वर्ड्स, मिलते जुलते शब्द। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, है ना, सही उचित शब्द लिख के हमें इस खाली जगह को भरना है। सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, चिलीज मिर्ची, रेड लाल, ग्रीन हरी, पैरट तोता, फेदर्स पंख। अब इन्हीं शब्दों का उपयोग करके हमें
खाली जगह को भरना है। तो पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है आई हैव ए, मेरे पास एक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पैरट, हम यहाँ पे लिखेंगे पैरट, ठीक है। फिर सेकंड में इट इज़, फर्स्ट में आ जाएगा पैरट, सेकंड लिखेंगे इट इज़। अब कलर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मतलब ये तोते के बारे में है, तो इट इज़ इसका कलर है ना ग्रीन। अब क्या आएगा, ग्रीन, सेकंड जो हम लिखेंगे वो है ग्रीन, यह हरे रंग का है। इट्स इसके, आर ग्रीन टू, और क्या चीज़ ग्रीन हो सकते हैं, फैदर्स, थर्ड में जो आएगा वो है फैदर्स, इसके पंख भी हरे रंग के हैं। इट हैज़ ए बीक, बीक यानी चोच, अब चोच के बारे में है तो उसका कलर आएगा रेड, इट हैज़ ए रेड बीक, उसकी चोच का रंग लाल है। इट लाइक्स टू ईट, इसे खाना पसंद है, क्या खाना पसंद है, चिलीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिलीज, मिर्ची खाना पसंद है। वंस आई से एनीथिंग टू मिट्ठू, जब कोई उसे एक मिट्ठू कह के कहता है, इट रिपीट्स, यह रिपीट करता है, इट मैनी टाइम्स, है ना, तो वह उसे बार बार दोहराता है, ठीक है। इस तरह से ये उसको पढ़ते हुए हम इस खाली जगह को हम भर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा पैरट ग्रीन, इसमें भी आएगा ग्रीन, थर्ड वाले में है ना, फोर्थ में आएगा रेड, फिफ्थ में आएगा चिलीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो है फन टाइम, और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन जो है पेपर में मोस्टली आते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो विचार होते हैं, जो हम सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं उसके बारे में, या हमने जो लेसन को पढ़ा तो कितना समझ पाया, ये सब के लिए ये फ़न टाइम है। और अधिकतर ऐसे ही प्रश्न जो है आते हैं जिसमें कितने पार्ट को अच्छे तरीके से बच्चे ने समझ लिया उसके लिए है। यहाँ पर है कलर द चिली, जो मिर्च है उसको रेड लाल रंग में, एंड पैरट ग्रीन, और तोते को हरे रंग में कलर करना है। राइट लिखना है व्हाट यू नो अबाउट अ पैरट, एक तोते के बारे में आप क्या जानते हो। अभी हमने जो लेसन में पढ़ा, जो फिल इन द ब्लैंक्स में अभी भरे, सब उसी से रिलेटेड हम लिखेंगे। तो फर्स्ट इसमें लिख सकते हैं तोते के बारे में, पैरट इज़ ब्यूटीफुल बर्ड, तोता एक सुंदर पक्षी है। पैरट इज़ डोमेस्टिक बर्ड, तोता एक पालतू चिड़िया है। इट इज़ ग्रीन इन कलर, यह हरे रंग का होता है। इट्स फैदर्स आर ग्रीन टू, और इसके पंख भी हरे रंग के होते हैं। इट हैज़ ए रेड बीक, इसकी चोंच लाल रंग की होती है। इट लाइक्स टू ईट चिलीज, इसे मिर्ची खाना बहुत पसंद है। वन से एनीथिंग टू मिट्ठू, रिपीट इट मैनी टाइम्स, मिट्ठू से कोई बात बोलने पर वह उसी बात को बार बार दोहराता है। इसे हम नंबर वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।